Hi, this is Video Solutions of Live Quiz 4 for JEE 2022, the students who are in 11th grade. So maybe I hope you would have appeared in this live quiz. If not, still you can understand the question, understand the solutions. You know, questions are here along with solutions. So this was the first question in the quiz, and you can see it's very straightforward question. Question hai 47th term of an AP. तो हम सीधा इसको ऐसे लिखेंगे 47 टर्म है, लेट फर्स्ट टर्म भी ए 46 इंटू डी. मैंने फॉर्मूला सीधा यूज़ कर लिया एनेट टर्म का. फर्स्ट टर्म मेरी ए है एन माइनस वन इंटू डी, ये मेरा एनेट टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब पता है 47 टर्म है तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, 47 माइनस वन 46 हो जाएगा. तो कोशिश करनी है सीधा ही ऐसे लिखना है इसको. ये 47 टर्म 17 है और 17th टर्म है, 17th टर्म मतलब यहाँ 16 हो गया, वो 47 है. मुझे 64th टर्म निकालनी है, मतलब ए प्लस 63d निकालना है, ये निकालना है. उसके लिए मुझे ए और डी चाहिए, तो मैं यहाँ से सबट्रैक्ट करता हूँ इसको, सॉल्व करूँगा ए और डी के लिए. सबट्रैक्ट किया मैंने यहाँ से, ये सबट्रैक्ट करके मेरा आ रहा है 30d और 30 यहाँ आ गया. तो मेरा सबट्रैक्ट करेंगे ऐसे तो माइनस भी आ रहा है साथ में, डी माइनस वन आ गया, डी माइनस वन आ गया. डी को माइनस वन मैंने प्लग इन किया यहाँ पे, राइट, डी को माइनस वन प्लग इन किया तो ए की वैल्यू आ रही है 17 प्लस 46 इस साइड पे जाके, तो आ गया 63 आ गया. ये ए 63 और डी मेरा माइनस वन है, ये देखो आप ज़ीरो आ गया मेरा 64th टर्म. तो कोशिश जल्दी भी करनी है ऐसे क्वेश्चन को करने की, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है. दो ईपी की टर्म्स गिवन है, उनको सॉल्व करके हमने ए और डी निकाला और उसको प्लग इन कर दिया टू फाइंड 64th टर्म ऑफ एन ईपी. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन जीपी का है, जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है. जीपी का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. देखिए जीपी गिवन है यहाँ पे हमें, उसकी एनेट सम निकालना है एन टर्म्स का. ये फॉर्मूला है मेरे जीपी के एन टर्म्स का, बी टाइम्स वन माइनस आर टू द पावर एन ओवर वन माइनस आर, वेयर बी इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी, आर इज़ अ कॉमन रेशियो. फर्स्ट टर्म उठाई मैंने वहाँ से वन है, कॉमन रेशियो उठाइए थ्री है, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री. मैं माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूँ, थोड़ा प्रॉपर फॉर्म आ जाएगी, ये आ जाएगा थ्री टू द पावर एन माइनस वन और ये थ्री माइनस वन टू हो गया. तो ये मेरी बी आंसर आ गया. देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, फॉर्मूला लगाना था. क्वेश्चन नंबर थ्री पे चल रहे हैं. इफ़ थर्ड टर्म ऑफ जी पी इज़ फोर, थर्ड टर्म जी पी की एनथ टर्म का फॉर्मूला है टी एन ऑफ जी पी इज़ बी टाइम्स आर टू द पावर एन माइनस वन. अब मेरे को थर्ड टर्म की बात करी है तो बी आर को थ्री, एन को थ्री रिप्लेस करेंगे, बी आर स्क्वायर हो गया मेरा फोर है. और मुझे प्रोडक्ट निकालना है फर्स्ट फाइव टर्म्स का, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट फाइव टर्म्स, राइट. अब फर्स्ट फाइव टर्म्स का, या ऑफ इट्स फर्स्ट फाइव टर्म्स, तो मेरी फर्स्ट टर्म, मेरी एक फर्स्ट टर्म बी है, फिर सेकेंड टर्म बी आर है, फिर बी आर स्क्वायर है, फिर बी आर क्यूब है, फिर बी आर टू द पावर फोर है. ये फाइव टर्म्स मैंने लिख ली हैं, इनका प्रोडक्ट लेना है, इनको मल्टीप्लाई करना है. तो एक हो गया बी टू द पावर फाइव, और जब मैं आर में पावर ऐड कर रहा हूँ, वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर टू द पावर फोर आ रहा है, राइट, इन सब का सम आ गया मेरा. तो पावर सारी ऐड हो गई हैं, और पावर ऐड करके मेरी, सॉरी पावर ऐड करी है तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव है. सीधा ऐड कर सकते हैं या सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स का, या सीधा भी ऐड कर सकते हैं, 15 है ये, बी टू द पावर फाइव आर टू द पावर 15. मैं इसको लिख सकता हूँ बी आर, राइट, पावर देखो यहाँ पे 5 है, आर क्यूब का टू द पावर 5, राइट. तो यहाँ पे मेरा था, इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ ए पी इज़ फोर और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इज फर्स्ट फाइव टर्म्स, तो मैंने फर्स्ट फाइव टर्म्स यहाँ पे लिखी हैं, बी टू द पावर फाइव आ गया. और यहाँ पे जो आर की पावर में, ये मैंने गलत कर दिया, तभी गड़बड़ हो रही थी, वो ऐड जब करूँगा तो मैं यहाँ पे फर्स्ट फोर नंबर्स का सम आया, वन प्लस थ्री थ्री प्लस फोर आया है, ये 10 आया. देखो आप 10 आने से बात बन गई है, मेरे को एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल दो हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ बी इंटू आर स्क्वायर टू द पावर 5. और बी आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ में गिवन है 4 है, ये बी आर स्क्वायर पूरा का पूरा मैं यहाँ उठा के प्लग इन कर दूंगा 4 टू द पावर 5. तो ये मेरा सी आंसर आ गया. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं. इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज पी, तो मेरा अर्थमेटिक मीन टू नंबर्स का मतलब ए प्लस बी बाई टू. ए दो नंबर कौन से लिए मैंने, ए और बी, उनका अर्थमेटिक मीन पी कर दिया. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज क्यू, ज्योमेट्रिक मीन होता है दो नंबर का रूट ऑफ ए बी, वो मेरा क्यू है. देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स एज दीज टू नंबर्स, रूट्स एज दीज टू नंबर्स पी और क्यू. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके जिसके रूट्स पी और क्यू हैं,
ये रिजल्ट हमने यूज़ किया है। ये हमारा रैपिड फायर राउंड था जिसमें जल्दी करना था क्वेश्चन को, टाइम कम था हर क्वेश्चन के लिए, तो मैं भी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे लेना है मुझे, राइट, पी प्लस क्यू से हमें यहाँ पे इफ टू, सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी आएगा क्योंकि मेरे को है इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ टू देन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैविंग रूट्स हैज दीज नंबर्स, तो ए प्लस बी, ए और बी दो नंबर हैं, इनको यहाँ रखना है। और सम ऑफ रूट्स की वैल्यू यहाँ से आ गई, ए प्लस बी यहाँ पे टू पी आ गया, प्लग इन कर दिया मैंने टू पी, ए प्लस बी की जगह टू पी एक्स, और जो मेरा ए बी है वो है क्यू स्क्वायर। ये मेरा यहाँ से आंसर आ गया, सी आंसर आ गया। अब मैं अगले क्वेश्चन पे गया हूँ, इफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस इज दिस देन फाइंड टेंथ टर्म। तो ये अपने हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है, सम ऑफ एन टर्म्स में से माइनस कर दूंगा सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स तो लास्ट टर्म बच जाती है, कि एन टर्म्स का सम है उसमें से लास्ट टर्म छोड़ के सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स लिया है तो एक लास्ट टर्म बच गई है टी एन। ये रिजल्ट याद रखना है, इससे जनरल टर्म आएगी। सम ऑफ एन टर्म्स क्या है, टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन है, एन माइनस वन टर्म्स का सम क्या होगा, वो उसी को एन टर्म्स को फॉर्मूले में ही एन की जगह मुझे एन माइनस वन करना है। ये देखो आप इसी में, ये सम ऑफ एन टर्म्स है जिसमें एन आ रहा है, ये देखो इसमें एन आ रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स है ये है। अब मुझे सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स चाहिए तो इसी में मैं एन की जगह एन माइनस वन प्लग इन कर दिया मैंने, जहाँ एन था उसकी जगह एन माइनस वन कर दिया क्योंकि सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स चाहिए, ये आ गया माइनस वन। तो मैंने ये एस एन में से माइनस किया एस एन माइनस वन और ये मेरा आ जाएगा जनरल टर्म ऑफ द सीरीज एन एट टर्म ऑफ द सीरीज। ये माइनस करके देखो क्या बनता है, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया टू टू द पावर एन प्लस वन माइनस टू टू द पावर एन, क्या आ गया, ये मेरी जनरल टर्म है। मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, टेंथ टर्म निकालनी है, एन को टेन प्लग इन कर दो तो टेंथ टर्म क्या होगी, एन को टेन प्लग इन करके टू टू द पावर इलेवन माइनस टू टू द पावर टेन, तो ये हमें निकालना होगा टू टू द पावर इलेवन माइनस, इसमें मैंने टू टू द पावर टेन कॉमन ले लिया तो टू माइनस वन बच गया, टू टू द पावर टेन 1024 है, 1024 आ गया, या राइट, ए आंसर आ गया 1024। तो इजी क्वेश्चन थे, तभी जल्दी कर रहे हैं इसको, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर्स का, एस एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का रिजल्ट है ये, कि वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर का रिजल्ट है। मुझे 20 तक चाहिए, 20 स्क्वायर तक चाहिए, तो 20 प्लग इन कर दिया इनको, 21 ये 41 डिवाइडेड बाय 6 है, बस सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से कैंसिल किया, 3 से कैंसिल किया 7 आ गया, ये 2 कैंसिल किया 10 आ गया, सो 17 इंटू 41 है, मल्टीप्लाई करके 7 28 2870। तो कोशिश करनी है जल्दी करने की। अब ये क्वेश्चन है मेरा जिसमें मेरा टेलीस्कोपिक सम लगता है इसके अंदर, कि इसको मैं अगर लिखता हूँ उसको मुझे सम करना है, इसको सिग्मा फॉर्म में लिखा, मेरी ये सीरीज है, जनरल टर्म आइडेंटिफाई करेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आर एट टर्म में आर होगा और उससे जो अगला नंबर है वो नेक्स्ट नंबर है, 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 3 है, 3 के साथ 4 है, तो आर के साथ क्या होगा, आर प्लस 1। तो ये हमने करा भी था क्लास में क्वेश्चन, आर वेरीज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, ये सम करना है मुझे। तो ये मैं इसको, ये डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स मैं ऊपर बनाता हूँ, आर और आर प्लस वन का डिफरेंस यहाँ बनाता हूँ, कोई इसमें सोचने की बात नहीं है, तुमने पढ़ा था क्लास में, ऊपर जो 1 है उसको लिख रहा हूँ मैं आर प्लस 1 माइनस आर, दो पार्ट में स्प्लिट करना है क्योंकि इसको हमें डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स बनाना है, टेलीस्कोपिक सम बनाना है हमने। ये अगला स्टेप आ गया, आर वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दो पार्ट में स्प्लिट करा माइनस साइन के अबाउट इसको, पहले पार्ट में आ गया आर प्लस वन कैंसिल होकर 1 बाय आर आ गया, सेकंड पार्ट में आर कैंसिल होकर आर 1 बाय आर प्लस 1 आ गया। कैलकुलेशन जल्दी कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये मैं आपको मैसेज पास करना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जल्दी करने। इसके बाद अगला स्टेप भी पढ़ाया हुआ क्लास में, यहाँ पे जो इन्फिनिटी है उसको समझ लो, ये बड़े बड़े टर्म में प्लग इन करते हैं, कि अगर ये आर इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पर आप 1 प्लग इन कर देंगे, राइट, और एक हमने या 1 प्लग इन कर देंगे तो आंसर 1 आ गया, 1 माइनस 0 1 आंसर आ गया। तो ये पढ़ी हुई चीज़ थी क्लास में, अगर नहीं करी है तो आपने सही बात नहीं है, रिवीजन नहीं की थी आपने। अब अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये बहुत टिपिकल सीरीज़ है, हमारा रैपिड फायर राउंड यहाँ पे ख़त्म हो गया था, अब हमारा स्कोर बिल्डर राउंड शुरू हुआ था क्विज में। स्कोर बिल्डर राउंड में ये एजी सीरीज़ है अप टू इन्फाइनाइट टर्म, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये भी बिल्कुल स्कोरिंग क्वेश्चन था, अगर आपने नहीं किया है तो आपने रिवीजन नहीं किया होगा। ये एपी है मेरी, एजी सीरीज़ है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, एक पार्ट इसका एपी में है और दूसरा पार्ट यहाँ पे मैं इसको अगर 1 को लिख रहा हूँ साथ में एक्स टू द पावर 0, ये जीपी बन रही है। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजी सीरीज़, ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला लगाएंगे जल्दी क्वेश्चन होगा, टाइम बचेगा हमारा। ए क्या है इसके अंदर, ए मेरा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, एपी की फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, ए 1 आ गया, लिखना पहले पहले लिख लो। पी क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है, वो मेरा 0 वो 1 है, सॉरी 1 है,
और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, मेरा वन है, 1 2 3 4 ए पी है, तो कॉमन डिफरेंस वन हो गया। कॉमन रेशियो क्या है ए पी की, कॉमन रेशियो है एक्स, ये सारी वैल्यूज आ गई यहाँ पे, राइट, ए बी डी और सब आ गया, तो प्लग इन करना है इसमें, बस मैं प्लग इन कर देता हूँ सारी वैल्यूज़ को, मैं ए को वन प्लग, ए को वन, बी को वन, आर को एक्स, ये आ गया यहाँ पे, डी वन बी वन आर एक्स, आर मेरा एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मैंने एलसीएम लिया वन माइनस एक्स के होल स्क्वायर से, यहाँ वन माइनस एक्स आएगा, यहाँ प्लस एक्स है, तो मेरा आ गया सिंप्लीफाई करके वन ओवर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो आप, तो ये क्वेश्चन ऐसे है, तो मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि टाइम आपको कम दिया था क्वेश्चन करने का, कर सकते हैं, प्रैक्टिस का फ़र्क है थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन इतना फ्लो में लंबा नहीं चल रहा है। तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ ए जी सीरीज़ का फॉर्मूला प्लग इन करके इसको हमने कैलकुलेट किया है, तो बेस्ट तरीका यही है, फॉर्मूले की डेरिवेशन करने की कोशिश मत करो, फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालो। नौ नाइन्थ क्वेश्चन जा रहे हैं, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, यहाँ पटक सकते हैं, लेकिन क्लास में हमने किया भी था, ये थ्री टर्म्स का जो सम है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब प्रोग्रेशन में सीक्वेंस सीरीज टॉपिक में मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट था, मिनिमम वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट था हमने लगाया था, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लगाया था, हमने क्वेश्चन किए थे क्लास में, प्रैक्टिस किया था, तो वही हम ट्राई करते हैं। ये तीन नंबर हैं, ये तीन नंबर है, इसको मैं ए बी सी मान लेता हूँ, अगर तो मेरे को ये आइडिया लगा रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई थ्री अर्थमेटिक मीन हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, ये मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। अब ए प्लस बी प्लस सी की तो मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ए प्लस बी प्लस सी जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो क्या होगा, ग्रेटर देन थ्री टाइम्स क्यूब रूट ऑफ, अब ये ए बी तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही तो उसमें ब्यूटी थी, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखो तीनों को मल्टी, हम समझ लो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई करके मेरा एक्स की पावर फोर थी न्यूमरेटर में, यहाँ एक्स की पावर फोर कैंसिल हो गई, वाई क्यूब था न्यूमरेटर में, वाई क्यूब कैंसिल हो गया, ये सिंप्लीफाई होकर एट बाई थ्री बन रहा है, नहीं ये नाइन भी है तो एट बाई नाइन बन रहा है, ये एट बाई नाइन बन रहा है, क्यूब रूट ऑफ एट बाई नाइन वो हो गया टू बाई थ्री, हो एट बाई 27 है, सॉरी 8/27 है, तो वो हो गया 2/3, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, ए प्लस बी प्लस सी जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, तो मिनिमम वैल्यू 2 हो गई, बी आंसर आ गया। तो ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने चीज़ों को रिवाइज करके चलेंगे तो आइडिया आ रहा था कि मिनिमम वैल्यू एक्सप्रेशन की निकालनी है, तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन तो लगाने की सेंस थी इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10th पे जा रहे हैं, बड़ा ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, बड़ा ईजी क्वेश्चन है, नहीं पहचान में आया तो गलत बात होगी, क्योंकि इसमें देखो, इसमें आप देखो अगर आप थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ता है, यहाँ से ए स्क्वायर आ रहा है इनटू ए, यहाँ से ए टू द पावर फोर आ रहा है, यहाँ से ए टू द पावर सिक्स आ रहा है, तो स्प्लिट करके एक सीरीज़ बन रही है मेरी, ए स्क्वायर ए टू द पावर फोर ए टू द पावर सिक्स गोज ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है अप टू इन्फिनिटी, सम कैसे होगा, ए स्क्वायर ओवर वन ए स्क्वायर, फॉर्मूला है मेरा बी ओवर वन माइनस आर, जी पी के इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला ये बी ओवर वन माइनस आर फॉर्मूला लगाया मैंने, ए स्क्वायर फर्स्ट टाइम है, कॉमन रेशियो ए स्क्वायर है, ये सम आ गया, और फिर एक और सीरीज़ बन रही है, अगर आप सेकंड सीरीज़ देखेंगे तो ये बन रही है, यहाँ से ए बी, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से ए क्यू बी क्यू, तो सेकंड सीरीज़ मेरी बन रही है यहाँ पे ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू, तो ये भी इनफाइनाइट जी पी बन गई है, फर्स्ट टर्म क्या है ए बी है, कॉमन रेशियो भी ए बी है, इसका सम ये होगा, क्योंकि ए बी फर्स्ट टर्म है ए बी कॉमन रेशियो है, तो फॉर्मूला ये आ गया, यहाँ ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म थी कॉमन रेशियो ए स्क्वायर थी, ये आया था, अब दोनों का सम को सिंप्लीफाई भी नहीं करना, डायरेक्ट बी चॉइस मैच कर गई है, ये था, तो नहीं क्यों कैसे नहीं हुआ वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, थोड़ा प्रैक्टिस आपको चाहिए, होना ही चाहिए था, ये क्विज में नहीं किया आपने तो देखिए कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, होना चाहिए था क्वेश्चन ये। अब क्वेश्चन नंबर 11th पे आ रहे हैं हम, ये लेंदी क्वेश्चन था और टाइम भी आपको 4 मिनट दिया था इसका, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी, कैलकुलेशन इसके अंदर आप कर रहे हैं ना, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सम ऑफ इंटीजर्स निकालना फ्रॉम 1 to 100 जिसमें विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, 3 से भी डिविजिबल नहीं होने चाहिए नंबर और 5 से भी नहीं होने चाहिए, तो मुझे कौन से नंबर नहीं चाहिए, 3 से डिविजिबल ये नंबर है, ये हटाना है, इनको सम नहीं करना, इनको हटाना पड़ेगा, मुझे अगर सम करा है आपने तो ये इनको इंक्लूड नहीं करना सम में, 3 के मल्टीपल जो हैं, तो मुझे 5 के मल्टीपल भी नहीं चाहिए, 5 के मतलब 5 भी नहीं चाहिए, 10 भी नहीं चाहिए, 15 भी नहीं चाहिए, 20 भी नहीं चाहिए, 25 भी नहीं चाहिए, 30 भी नहीं चाहिए, ये सब भी हटाना है मुझे, 5 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल पे आगे जाएंगे 15 आएगा, फिर 18 आएगा, मैं जान के ज़्यादा लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको, ये 27 30, तो मुझे इन नंबर्स का सम भी नहीं चाहिए और इन नंबर्स का सम भी नहीं चाहिए मुझे, बाकी सब अप टू 100 सम चाहिए, तो मैं ये करूँगा फॉर्मूले लगाऊंगा, मुझे आंसर जो निकालना है सम ऑफ फर्स्ट, पहले सबका सम निकाल लूँ, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो इसमें इसमें गलत आंसर भी आ गया, इसमें सारे 3 मल्टीपल भी आ गए, माइनस कर दिया मैंने सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, माइनस कर दो, फिर माइनस कर दिया सम ऑफ
ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 वही माइनस कर दिए, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर इन दोनों में कॉमन नंबर भी थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15 है, 30 है, यहाँ भी आ रहा है 15, यहाँ भी आ रहा है 30, यहाँ भी आ रहा है। आपने दो बार माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस करा ऐसे नंबर को 15, 30, 45, 60 गोज ऑन, और यहाँ भी माइनस करा, दो बार माइनस कर दिया। एक बार माइनस करना था आपको, एक बार और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे ऐड क्या करना पड़ेगा, ये सम ऐड करना पड़ेगा, ये वाली सीरीज माइनस प्लस करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 15, जो कि सिर्फ 6 ही नंबर होंगे इसमें। तो लेकिन अब करेंगे तो आप सम ऐसे काउंटिंग नहीं करेंगे, हम जीपी लगा के सम करेंगे। तो ये मेरा चार टर्म, ये पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है। ये तो पता है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स फॉर्मूला, ये मेरा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये करना है। और बाकी सब जगह जो फॉर्मूला लगाना है आपको, ये लगाना है ये कितनी टर्म्स है, टर्म्स निकाल के जो भी टर्म्स होंगी, एन वन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 99 है, ऐसे माइनस 5 में एन टू बाई, जितनी टर्म्स आएंगी वो निकालनी पड़ेंगी। 5 फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म 95 है, अप टू 100 है, तो 100 भी इंक्लूड, विच फ्रॉम 1 टू 100, 100 भी आना है, तो लास्ट टर्म 100 हो गई है 5 के मल्टीपल में। और फिर यहाँ से मुझे ऐड करना है जितनी टर्म्स आएंगी, एन थ्री बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 15 फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है आपकी 90 है, 15 का मल्टीपल ये। तो ये सारा सब माइनस करना है, ये हमें निकालना पड़ेगा। ये तो पता है 100 नंबर से 100 इंटू 100 वन डिवाइडेड बाई टू है, ये मुझे नंबर, ये सारे टर्म्स निकालनी होंगी। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, एन वन एन टू एन थ्री, एन फॉर एग्जाम्पल एन वन कैसे निकालेंगे, 3 से लेकर 99 तक कितनी टर्म्स हैं जो ए पी में है विद कॉमन डिफरेंस 3। तो ये तरीका होता है 99, यहाँ पे ऐसे करूँगा मैं, यहाँ लिख लेता हूँ 99 लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 96 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 आ गया ये सॉल्व करके, राइट। तो ये आ गया 32 आ गया, 33 आ गया, ये 3 ये 2 प्लस 1 एन इक्वल टू 33। तो यहाँ पे मेरा आना था 33 बाई 2, मतलब आप पूरा क्वेश्चन मत देखिए, लेंदी है कोई बात नहीं, ये था ये नंबर निकालना है। ऐसे एन टू निकालना है, लास्ट 100 टर्म है, फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5, तो 95 को 5 से डिवाइड करके, ये 95 आया, 5 से डिवाइड किया, प्लस 1 किया मैंने, एन आ रहा है राइट। तो ये मेरा 20 हो गया, एन इक्वल्स टू 20, तो ये 20 बाई 2 आता है, ये 105 है। ये सब करना था, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा ऐसे कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं, 15, 30, 45, 60, 75, 90, बाई इंस्पेक्शन ही समझ आ रहा है, 6 नंबर हैं, और ये मेरा हो गया 105। तो ये फिर अभी लास्ट में एक कैलकुलेशन और का स्टेप है। तो ये लेंदी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, पूरा क्वेश्चन मत देखो, बट दिस इज आई गेट टू दिस क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। टोटल हमने सम निकाल लिया अप टू 100, उसमें से माइनस कर दिया मल्टीपल्स ऑफ 3, माइनस कर दिया मल्टीपल्स ऑफ 5, लेकिन जब हमने 3 के मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल माइनस किए हैं, जो 15 के मल्टीपल थे, दो बार माइनस हो गए, तो हमने एक बार और ऐड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो आइडिया याद रखना है इस क्वेश्चन का, क्योंकि पूरा करने में टाइम भी लग रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 16/5, अर्थमेटिक मीन इज ए, जोमेट्रिक मीन इज जी, ये क्वेश्चन के बना है इनके बीच में, 2a इक्वल टू 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 26, और हमें रिजल्ट पता होता है जोमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू a इंटू h, जोमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। तो मैंने जी स्क्वायर मेरे को नहीं पता, अर्थमेटिक मीन नहीं पता, हार्मोनिक मीन पता 16/5 है, ये इक्वेशन को मैं यहाँ प्लग इन कर दूंगा जी स्क्वायर को, 2a जी स्क्वायर को उठा के यहाँ से मैंने प्लग इन कर दिया, 16/5a इक्वल टू 26, तो यहाँ से मेरा अर्थमेटिक मीन आ गया। कैलकुलेट ही करना है, एलसीएम लिया 10a 16a 26a डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 26, तो कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, a 5 आ गया, अर्थमेटिक मीन 5 आ गया, जोमेट्रिक मीन यहाँ से मैं निकाल लूँगा, जी स्क्वायर 16 आ गया। अब मुझे नंबर निकालने, दोनों अर्थमेटिक मीन आ गया, जोमेट्रिक मीन का स्क्वायर आ गया, नंबर निकालने, नंबर मान लेते हैं a और b हैं, तो ए ये मेरा अर्थमेटिक मीन 5 के इक्वल कर दिया मैंने, तो नंबर चाहिए मुझे, ए प्लस बी 10 आ गया, पहली क्वेश्चन आ गई। और फिर मेरा क्या रूट ऑफ ए बी जोमेट्रिक मीन है मेरा, जो कि मेरा या जोमेट्रिक मीन होता है वो यहाँ से 4 आएगा, तो मैंने इसका स्क्वायर भी कर दिया, तो ए बी मेरा क्या आ गया 16 आ गया ये। अब यहाँ से मैं सॉल्व करके और भी निकाल लूँगा, तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए बी, राइट, 4 टाइम्स ए बी, ए बी 16। तो मेरा यहाँ से ए प्लस बी भी पता है मुझे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज 100 माइनस यहाँ से 64 इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6,
36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6, और a प्लस b मुझे पता है क्या है, 10 है, तो मैं जब ऐड करूँगा तो मेरा 2a इक्वल टू 16 भी आ सकता है, 2a इक्वल टू 4 भी आ सकता है, तो मेरा नंबर a आ गया यहाँ से 8, और यहाँ से a आ गया मेरा 2, तो एक 8 है प्लग इन किया, मेरा a प्लस बी 10 था, a प्लस बी 10 है, a को 8 प्लग इन किया तो b 2 आ गया, अगर a को 2 प्लग इन किया तो b 8 आ गया, तो दो नंबर क्या है 8 और 2 है। तो ये हमने थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये तो सब चीज़ें पढ़ी हैं आपने, बस उनको को एक्सपोजर दे रहा हूँ कि ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था इसमें, कि हमें हमने यहाँ पे ये रिजल्ट अप्लाई करना है, अर्थमेटिक मीन यू नो का ज्योमेट्री मीन का स्क्वायर इज एन टू एच, एक ही क्वेश्चन गिवन थी, एक ही क्वेश्चन ये मिल गई मुझे, एच को रिप्लेस कर दिया तो दो वेरिएबल में दो इक्वेशन है, जी स्क्वायर को प्लग इन करके ए निकाल लिया, ए को वापस प्लग इन करके जी आ गया, ए और जी आ गए, तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आ गए, तो दो नंबर चाहिए थे, ए और भी दो नंबर मान के मैंने ये दो इक्वेशन बनाई है, और यहाँ से ए और बी को सॉल्व किया, तो लेंदी क्वेश्चन है, मैं कहूँगा दो मतलब इतना शॉर्ट नहीं है, तो टाइम कम पड़ा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, अगर कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आया तो चिंता की बात है। अब समीशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, 9 टर्म्स का सम निकालना है ये, तो ये थोड़ा सा अगर पहले हमने मॉडल का क्वेश्चन है किया भी होगा आपने, तो इसको पहले तो जनरल टर्म आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, आर एट टर्म इस सीरीज की है क्या, तो न्यूमरेटर की आर एट टर्म देखो क्या है, कि पैटर्न देखना पड़ता है, इसके अंदर पैटर्न है कि फर्स्ट टर्म में ए क्यूब है, सेकेंड टर्म में टी टू के अंदर टी टू में 1³ + 2³ है, और यहाँ पे 1³ + 2³ + 3³ है, राइट, थर्ड टर्म में राइट, सो थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म में सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स है, फोर्थ टर्म में सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स होगा, क्यूब्स का सम है, तो आरए टर्म में क्या होगा, आरए टर्म में ये होगा मेरा यहाँ पे 1³ + 2³ + 3³ सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स, ये मेरी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 1+3 है, थर्ड टर्म में 1+3+5 है, थ्री टर्म्स ऑफ ए पी है, देखो यार ये टू टर्म्स ऑफ ए पी है, इसके फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस 2 है, थ्री टर्म्स आ गए, तो आर आर टर्म में क्या आएगा, 1+3+5+7+9 गोज ऑन अप टू आर टर्म्स, आर टर्म्स है यहाँ पे ऐसे, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, पहले तो मुझे जनरल टर्म निकालनी है उसकी, जनरल टर्म के लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ आर नेचुरल नंबर्स का, फॉर्मूला होता है आर इंटू आर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्यूब्स के सम का फॉर्मूला है, आर टर्म्स का सम करना है तो ये आर रिप्लेस कर दिया इनको, ये फॉर्मूला है, नीचे मेरी ए पी का सम बन रहा है, आर टर्म्स ऑफ ए पी है, तो r बाय टू फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस मेरा 2 है, r माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2 ये है, तो मेरी इससे आर एट टर्म आई है, अभी सम नहीं आएगा, आर एट टर्म आ रही है इससे भी, काम आउट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय ये मैंने सम किया, ये r बाय टू है, ये कितना बन रहा है, ये 2r, ये 2r बन रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो देखो मेरी जनरल टर्म आ गई यहाँ से, और फिर जो r स्क्वायर आ रहा है, r स्क्वायर से ये आ रहा है, पहले r लिख लेते हैं, r स्क्वायर r प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू नो 4r² ये आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, आर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ये मेरी जनरल टर्म आई है, आर ए टर्म आई है सीरीज की, मुझे सम निकालना है 9 टर्म्स का, राइट, मुझे समीशन करना है 9 टर्म्स का, 1/4 को बाहर मूव करके आर प्लस 1 होल स्क्वायर निकालना है 9 टर्म्स का, आर वेरीज फ्रॉम 1 to 9 है, तो ये अब देखो 1/4 किस तरह की टर्म्स आ रही हैं, अब इसको फॉर्मूले में लगाने लग जाना, आर को 1 रिप्लेस कर, ये 2² आ रहा है, ये 3² आ रहा है, ये 4² आ रहा है, और लास्ट टर्म आएगी 9 टर्म आएगी 10² तो ये हम सीधा कहेंगे कि देखो सम सिर्फ 1² में इसमें ऐड कर देता हूँ, 1² को मैंने ऐड करा, 1² को सेपरेट भी कर दिया, राइट, क्योंकि मेरे को इससे फायदा हो रहा है 1² ऐड सेपरेट करने से, ये मेरा सम ऑफ द फर्स्ट 10 सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बन गया, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम बन गया, उसका फॉर्मूला है मेरे पास, 10 नंबर्स हैं, फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखा था, फॉर्मूला ये है मेरा n(n+1)(2n+1) डिवाइडेड बाय 6 सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे इनको 10 रिप्लेस करना है, 10 × 11 × 21 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 और उसको मुझे 4 से डिवाइड करना है, ये मेरा सम आ गया, कैलकुलेशन करनी है तो ये 3 से कैंसिल किया, ये 2 आएगा, ये 7 आएगा, ये 5 आ गया, 35 × 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 राइट, 55 गोज 33 और 5 38 माइनस 1/4 384/4 सो 9
ठीक है, तो 4 9 36, बाकी 2 गया, 4 6 24, 96 आ गया। तो कैलकुलेशन थोड़ी है इस क्वेश्चन में, लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ था हमने, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो सोचने का नहीं था, सिर्फ करने का था इसमें, कि जनरल टर्म निकालनी थी, उसमें भी काम था, फिर सिग्मा लिया थोड़ा कम काम कम था, समीशन लेना कम काम था, लेकिन जनरल टर्म निकालने में टाइम लगा है। नाउ सम ऑफ द सीरीज करना है, देखो अब ये तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे इस सीरीज का सम करना है, इसको दो पार्ट में तोड़ दो हर टर्म को, पहले ये उठाओ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, ये तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है, अभी हमने फॉर्मूला देखा है n(n+1)(2n+1)/6 है, और साथ में उसको बाकी एक और पार्ट भी है इसका, 1 2 3 गोज ऑन अप टू n, वो तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है, तो एक पार्ट है जो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है, और दूसरा पार्ट है 1 + 2 + 3 + 4, वो है सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स है, फॉर्मूला n(n+1)/2। ये तो इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, पूरा ये कॉमन ले सकते हैं, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, यहाँ पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, 3 को मैंने 6 को लिख लिया 2 × 3, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कॉमन आ गया, n(n+1)/2 कॉमन आ गया, और मेरा ब्रैकेट में बचता है 2n+1)/3+1, बस सिंप्लीफाई करना है, ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा उसमें, एलसीएम लिया मैंने इसका, यहाँ पे इस साइड पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेके आ गया 2n+1+3/3, तो ये सम करके आ रहा है n(n+1), ये बन रहा है 2n+4/2×3, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट में से 2 बाहर कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा इस वाले 2 से, बच जाएगा n(n+1), और जब 2 कॉमन चला जाएगा तो बचेगा n+2 यहाँ पे, और नीचे 3 है, ये 2 कैंसिल हो गया जहाँ से 2 कॉमन लिया था, ये बच गया, सी चॉइस आ गई, राइट। तो ये क्वेश्चन 1 मिनट से ऊपर किसी सेंस में नहीं लगना चाहिए, आइडिया भी सिंपल था, कैलकुलेशन भी सिंपल थी इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, ये सीरीज सिग्मा फॉर्म में गिवन है, सम ऑफ टू इनफाइनाइट टर्म्स है, ऐसे देख के नहीं पहचान में आएगा कौन सी सीरीज है, तो हम प्लग इन करके एन की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे किस तरह की सीरीज है, मैंने एन को 1 प्लग इन किया, एन को 1 प्लग इन किया तो 2/3 आ रहा है, एन को 2 प्लग इन किया तो 6/3 स्क्वायर आ रहा है, एन को 3 प्लग इन किया, एन 3 आ जाएगा तो 12 - 2 10 आ गया, ÷3³ आ रहा है, तो ऐसे चल रहा है अप टू इन्फिनिटी। तो ये ध्यान से देखो, ए जी सीरीज है, ए जी सीरीज कैसे है, ये मेरी ए पी बन रही है 2 6 10, और मेरी जी पी बन रही है, जी पी क्या बन रही है 1/3, जी पी ये बनी 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3³, तो एक पार्ट ए पी में है, एक पार्ट जी पी में है, तो ये अर्थमेटिको जोमेट्रिको सीरीज है, ए जी सीरीज है, तो इसमें अगर मुझे सम ऑफ टू इनफाइनाइट टर्म लगाना है, पहले भी सेम क्वेश्चन आया था, सेम इन द सेंस के सेम फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन आया था, वो था फॉर्मूला बताया था मैंने, ए बी ओवर 1 - r +dBr/(1 - r) का होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला लगाना है आपने, ए क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी क्या है 2 है, बी क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी वो 1/3 है, ओवर 1 - कॉमन रेशियो जी पी की क्या है वो भी 1/3 है, वैल्यू ध्यान से प्लग इन करनी है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस 4 है ए पी का, बी क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी 1/3 है, कॉमन रेशियो क्या है वो भी 1/3 है, ओवर 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू ढंग से पुट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, सही आंसर आएगा। अब मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं आगे इसको मैंने एलसीएम लिया 2 × 1/3 न्यूमरेटर में है, डिनोमेटर में एलसीएम लेंगे तो 2/3 आएगा, तो ये भी 2/3, ये भी 2/3 कैंसिल होकर 1 आ गया, इस पार्ट को भी सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे, इस पार्ट में न्यूमरेटर में आ रहा है 4/9, डिनोमिनेटर में आ रहा है एलसीएम लेके 9, ये आ रहा है 2/3 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 4/9 आ रहा है, ये भी कैंसिल होके 1 आ गया, तो 1 + 1 = 2 आंसर आ गया। तो अगेन कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं थी, फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करना था, होना चाहिए था क्वेश्चन, टाइम नहीं है, नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा अपना पढ़ने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा सा तंग कर सकता है आपको ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हमने, क्लास में किया था, मुझे याद नहीं आ रहा था शायद, डोंट रिमेम्बर, ये था इसमें कि x² - ये फॉर्मूला लगाते हैं, x² में नहीं किया होगा, मॉड्यूल में है एक्स, ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है x² - y² = x - y (x+y), आगे बढ़ते हैं, ये है x³ - y³ का फॉर्मूला है, x - y है, और फिर यहाँ पे x² + y² x²
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला इस तरह से चलता है। आगे चलते जाएंगे, जनरल फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन माइनस वाई टू द पावर एन का फैक्टर्स हैं, एक्स माइनस वाई पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है एक्स की पावर एन माइनस वन से शुरू होगी, वाई की पावर जीरो से शुरू होगी, एक्स की पावर एन माइनस टू होगी, फिर वाई की पावर वन होगी, एक्स की पावर कम हो रही है, वाई की पावर बढ़ रही है, देखो पैटर्न चल रहा है इसे। फाइनली एक्स की पावर खत्म हो जाएंगी, वाई की सारी पावर एन माइनस वन वाई पे आ जाएंगी। ये फॉर्मूला है, पहले तो इसमें वाई को वन रिप्लेस कर दो, इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। आइडेंटिटी है, वाई को वन प्लग इन कर दिया, वाई को वन प्लग इन किया तो ये आ गया एक्स टू द पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, और यहाँ बनेगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस टू, पावर एक्स की कम हो रही है, देखो आप गोज ऑन अप टू वन। अब ये देखो यही था इस क्वेश्चन में, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें देखो आप कि अगर पहले एग्जांपल में लिख के दिखा रहा हूँ कि आप जैसे इसमें एन को टू रिप्लेस करो, एन को टू रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन और ये एक्स प्लस वन, ऐसे है पहले भी लिख रहा था मैं ये, फिर एक्स क्यूब माइनस वन है तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वन, एन को मुझे थ्री रिप्लेस करना है, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सारी टर्म्स ऐसे ही हैं सीरीज की पावर, ये सो ये पार्ट गिवन है क्वेश्चन में, ये पार्ट गिवन है राइट, पावर एक्स की चेंज हो रही है वन से लेके तक, देखो वापस यहाँ आ गए, देखो अब ये जो है एक्सप्रेशन, ये मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ टू क्यूब माइनस वन ओवर टू माइनस वन, एक्स यहाँ पे टू है, टू क्यूब माइनस वन और टू माइनस वन, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ टू टू द पावर फोर माइनस वन ओवर टू माइनस वन। अगर डाउट है कैसे आया, यहाँ से देखो आप, मेरा ये था एक्स टू द पावर फोर माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वन से, उल्टा लिख लो इसको बेटर है, वन प्लस वही फॉर्मूला जो नीचे लिखा मैंने, ये है अप टू एक्स क्यूब, ये है इसको मैंने बस एक्स क्यूब से वन की तरफ जाने के बजाय वन से एक्स क्यूब की तरफ लिख लिया। अब एक्स को टू प्लग इन कर दिया, ये करा है तो ये टू टू द पावर फोर माइनस वन इक्वल्स टू टू माइनस वन इंटू वन प्लस टू प्लस टू स्क्वायर प्लस टू क्यूब है, इसकी वैल्यू को मैंने लिखा है टू टू द पावर फोर माइनस वन डिवाइड बाय वन हो जाएगा, तो वन ही चल रहा है, ये देखो ऐसे लिखा है, तो इजी नहीं था क्वेश्चन, ये अगर पहले नहीं किया तो नहीं कर सकते थे, ऐसे ही है टू स्क्वायर माइनस वन ओवर टू माइनस वन, हर टर्म को ऐसे लिखना है अब टू एन टर्म्स है, तो मैं अगर यहाँ लिखूँ तो मेरा डिनोमिनेटर तो वन बन गया, पहले है टू स्क्वायर माइनस वन, सीरीज ये आ गई है टू क्यूब माइनस वन, नीचे टू माइनस वन था वो वन है तो मैंने लिखा नहीं है, टू माइनस वन इज वन और डिनोमिनेटर मैंने लिखा है, टर्म्स ऐसी चल रही हैं अप टू एन टर्म्स, तो ये तो अब कुछ नहीं है, जी पी बन गई है तो मुश्किल है ही नहीं करना अप टू एन टर्म्स, जी पी यहाँ से शुरू हो रही है टू स्क्वायर प्लस टू क्यूब गोज ऑन अप टू द लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म फोर है जी पी की और कॉमन रेशो टू है और वन माइनस टू, ये आ गया, बाकी जो वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन अप टू एन टाइम्स जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा, ये सिंपली ये आंसर आना चाहिए सिंप्लीफाई करके, दो अलग सीरीज में स्प्लिट कर दिया, पहली जी पी बन रही है विथ फर्स्ट टर्म टू स्क्वायर कॉमन रेशियो टू, सम का फॉर्मूला लगा दिया, और दूसरी जो सेकेंड पार्ट है हर जगह माइनस वन अप टू एन टाइम्स है माइनस एन हो गया, तो इसको उल्टा लिख के टू टू द पावर एन माइनस वन ये वन हो जाएगा, ये फोर है ये माइनस एन है, जो भी ये आंसर आएगा वो इसको लिख लिया मैंने, इसको टू स्क्वायर लिख सकते हैं फोर को, तो टू टू द पावर एन प्लस टू माइनस टू माइनस एन, ये देख रहे हैं आंसर माइनस फोर सॉरी टू टू द पावर, ये सेम आंसर मैच कर गया, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर पहले नहीं किया तो मुश्किल था, जिस तरह से हमने इसको राइट आइडेंटिफाई किया हमने वो बात थी कि इसको कैसे लिखा, मैंने इसको लिखा है कि प्रॉपर्टी यूज़ करके एक्स टू द पावर फोर माइनस वन यूज़ करके एक्स को टू रिप्लेस कर दिया है, ये हमने था, और जनरल फॉर्मूला मैंने नीचे लिख ही दिया इसका, देखो आगे के लिए जनरल फॉर्मूला ये है मेरा, ये फॉर्मूला जनरल, पहले एन को टू रिप्लेस करना है, फिर एन को थ्री रिप्लेस करना है, फिर साथ में एक्स को तो टू ही रिप्लेस करना है हमेशा, तो एक्स को मैं टू रिप्लेस कर दूँ तो मेरा एक्स को टू रिप्लेस करके ये था बस, एन फिर एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रिप्लेस करके मैंने आइडेंटिफाई किया। दिस इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन वेर यू टू फाइंड समिशन ऑफ सीरीज, इसको तरीका करने का, इसको ऐसे लिखना पड़ता है, पहले सिक्स कॉमन लेते हैं हम राइट, सिक्स बार कॉमन लिया तो यहाँ पे है वन बाय नाइनटीन स्क्वायर वन बाय नाइनटीन क्यूब गोज़ ऑन। फिर अगला स्टेप होता है इन्फाइनाइट सम का सम निकालना है, अगला स्टेप है अंदर नाइन भेजना पड़ेगा, अंदर नाइन भेजने के लिए मुझे नाइन से डिवाइड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लाई किया उसको अंदर भेज दिया, अभी देखना कि नाइन भेजने से क्या एडवांटेज होगा, अब जी पी बना लेंगे नाइन भेज के, ट्रिपल नाइन नाइनटीन क्यूब गोज़ ऑन अप टू इन्फिनिटी,
और मैंने फिर ये मेरा 2 बाई 3 आ गया सिंप्लीफाई करके। ये देखो अब यहाँ पे जो 9 को लिखना है मेरे को 10 माइनस 1 करा है। क्लास में हमने जब पढ़ा था हमने किया था ये क्वेश्चन, इस तरह से याद रखना ज़रूरी था, नहीं याद रहा तो तभी नहीं कर पाए होंगे। गोज अप टू इन्फिनिटी, तो अब दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया, दो अलग जीपी बन गई हैं, दो अलग जीपी हैं। एक है 10 बाय 19, फिर है 10 स्क्वायर बाय 19 स्क्वायर, 10 क्यूब बाय 19, 1000 को 10 क्यूब लिख लिया मैंने, 19 क्यूब, गोज ऑन। फिर मैंने है माइनस एक और जीपी है, माइनस कॉमन लेके 1 बाय 19, 1 बाय 19 स्क्वायर, गोज ऑन। दो इन्फाइनाइट जीपी बन गए, उनको डिफरेंस बन गया यहाँ पे। तो 2 बाय 3 बाहर है, ये मेरा फर्स्ट टर्म 10 बाय 19 है, कॉमन रेशियो भी 10 बाय 19 है। इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, बी ओवर 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला एक बार और लगेगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 1 बाय 19 है, कॉमन रेशियो 1 बाय 19 है। तो फॉर्मूला लगाया सम अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी विच इज़ बी ओवर 1 माइनस आर फॉर्मूला। तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था अगर आपने प्रैक्टिस की जो चीज़ें पढ़ी थी हमने। अब यहाँ पर मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ उसको, मैं 19 से एलसीएम लिया तो आ जाएगा 10 ओवर 9 आ रहा है, ये 19 कैंसिल हो गए, ये बन रहा है एलसीएम लेके 18 नीचे आएगा, या 1 बाई 18 आ रहा है। फिर एलसीएम ले लिया हमने, 18 से एलसीएम लिया, 2 यहाँ गया, 20 माइनस 1, और ये 2 बाई 3 है। तो सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर में 2 इंटू 19 आ रहा है, डिनोमीटर में 3 इंटू 18 आ रहा है। तो और सिंप्लीफाई शायद हो जाएगा, 2 से 9 आ गया, तो नीचे 27 ऊपर 19, 19 बाई 27 है। या तो मिस्टेक करने से फिर जाके मिस्टेक को ढूंढ के करेक्ट करना बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्वेश्चन वेस्ट ही हो जाता है पूरा। तो धीरे धीरे स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस बनाना है आपने, स्पीड को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करनी है और एक्यूरेसी को कम नहीं करना है, एक्यूरेट रहना चाहिए। स्पीड बढ़ने से एक्यूरेसी कम होती है उसको, लेकिन बैलेंस बना के चलना है। सो विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। सो दिस इज़ ट्रिकी क्वेश्चन, नॉट ईजी क्वेश्चन टू डू। इसमें आइडिया यही था जो पहले भी किया हमने, ये सम अप टू एन टर्म्स है, ये सम अप टू एन टर्म्स है। एस एन गिवन है 1 बाय 6, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 ये गिवन है मुझे यहाँ से, और मुझे समीशन करना है जनरल टर्म का, आर एड टर्म का, के रेसिप्रोकल का 1 टू इन्फिनिटी। तो जनरल टर्म तो निकालो, रेसिप्रोकल तभी कर सकते हैं। तो जनरल टर्म क्या आएगी, ए आर क्या आएगी, ये आपको पता है। एस एन में से माइनस कर दूंगा, एस एन माइनस 1 पर भी यूज़ किया था हमने फॉर्मूला, लास्ट टर्म आ जाएगी, उसको आप टी एन बोल दो या ए एन बोल दो, ये एक बार एक ही मतलब है। आपने लास्ट टर्म को, एन टर्म को टी एन बोलो या एन बोलो, एक ही मतलब है। माइनस करना है सम ऑफ एन टर्म्स में से सम ऑफ टू एन माइनस 1 टर्म्स, सेम चीज़ पहले की थी हमने। तो माइनस कर रहा हूँ 1 बाय 6, यहाँ पे एन इंटू एन प्लस 1 इंटू टू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, सॉरी एन प्लस 2, इसमें से माइनस कर दिया मैंने सम अप टू एन माइनस 1 टर्म्स, एन की जगह एन माइनस 1, ये जो एन प्लस 1 है उसकी जगह एन, और एन प्लस 2 की जगह एन प्लस 1 आएगा। सब में से माइनस 1 करना है क्योंकि एन की जगह एन माइनस 1 करना है, इसलिए ये आ गया। अब 1 बाय 6 कॉमन लिया मैंने, एन इंटू एन प्लस 1 भी कॉमन लिया, अंदर बच जाता है एन प्लस 2 में से माइनस करना है माइनस एन प्लस 1, ये बच रहा है राइट। तो 3 बचाइए, एन से एन कैंसिल होकर 3 बचाए, सिंप्लीफाई करके हाफ आ गया, हाफ इंटू एन इंटू एन प्लस 1, ये मेरी ए एन टर्म आई है। तो ए आर क्या हो गया, ए आर हो गया 1 बाय 2 आर इंटू आर प्लस 1। मुझे ए आर नहीं चाहिए, 1 बाय ए आर चाहिए, जो यहाँ मैं आके प्लग इन करूँगा राइट, यहाँ आके मैं प्लग इन करूँगा, मुझे 1 बाय ए आर चाहिए, रेसिप्रोकल चाहिए, मतलब 2 ओवर आर ओवर आर प्लस 1 चाहिए। तो ये टेलीस्कोपिक सम बन जाएगा, जो पहले भी क्वेश्चन किया था हमने, सेम क्वेश्चन पहले भी किया था हमने टेलीस्कोपिक सम का। 2 को मैंने बाहर पुल आउट किया, आर वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, यहाँ डिफरेंस बनाया आर प्लस 1 माइनस आर ओवर आर इंटू आर प्लस 1, दो पार्ट में स्प्लिट किया। अगर याद होगा पहले भी किया हमने, ये भी बिगनिंग पहले भी क्वेश्चन था, ये शुरू में क्वेश्चन था, स्प्लिट करके ये 1 बाय आर आ गया, ये माइनस 1 बाय आर प्लस 1 आ गया। आर वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, फर्स्ट टर्म टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को यहाँ प्लग इन करेंगे, मतलब आर को इन्फिनिटी लेंगे तो डिनोमीटर इन्फिनिटी हो गया, रेशियो 0 हो गई, 1 यहाँ प्लग इन करेंगे, 2 बाहर है, यहाँ 1 प्लग इन किया, यहाँ मुझे आर की, आर को इन्फाइनाइट लेना है, इन्फाइनाइट टर्म्स का सम करना है। आर इन्फिनिटी पे जाएगा तो 1 बाय इन्फिनिटी 0 की तरफ जाता है, तो उसको हम 0 लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन को, 2 आंसर आ गया हमारा राइट। तो ये क्वेश्चन था, डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट नई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ पढ़ी हुई है आपने, सम अप टू एन टर्म में से लास्ट टर्म निकालनी है, टी एन निकालना है, टी एन निकाल के उसके रेसिप्रोकल लेना है, और यहाँ प्लग इन करके फिर टेलीस्कोपिक सम बन रहा है। दो स्टेप हैं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है ये। और दिस इज़ क्वेश्चन 19। ये क्विज़ में अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो तो मैंने हिंट भी दे दिया था क्वेश्चन का,
तभी कुछ लोग नहीं कर पाए थे, जो बिल्कुल सही बात नहीं है, क्यों नहीं कर पाए। देखो अब मैंने बता भी दिया था वहाँ पे कि फोर को आप लिखो, फोर थ्री को लिखो, इस थ्री को लिखो फोर माइनस वन, ये इसको फोर माइनस वन लिखो, ये जो सेवन एट है इसको सेवन, इसको एट माइनस वन लिखो, फिफ्टीन को लिखो सिक्सटीन माइनस वन, फिर देखो क्या बनता है। ये हिंट दिया था, ये स्टेप हो सकता है मुश्किल लगे लेकिन इसके बाद तो ईजी है। देखो ये मैंने इसको, फिर मेरा अगला स्टेप आया एट को, सेवन को लिखा एट माइनस वन या फोर है, फिर लिखा मैंने सिक्सटीन माइनस वन बाई एट, जो फिफ्टीन था वो सिक्सटीन माइनस वन लिखा, ऐसे चलता जा रहा है। इन टर्म्स का सम करना है। अब मेरे को ये करने के बाद मैं स्प्लिट कर दूंगा, मैं ये टू हो गया, ये भी टू है, ये भी टू है, तो कितनी बार टू आएगा, एन माइनस वन टाइम्स, क्योंकि फर्स्ट टर्म में से टू नहीं निकला है, टू नहीं निकला है, सेकेंड टर्म से टू निकला है, तो मेरा टू प्लस टू प्लस टू कितनी बार आ रहा है, एन माइनस वन टाइम्स। और बाकी क्या बचा, यहाँ वन पहले से था, एक वन बचा हुआ है शुरू में, मैंने लिखा रहने दिया, और क्या बचा है, और बचा है माइनस कॉमन लेके, ये जीपी बनी है हाफ वन बाय फोर वन बाय एट, ये जीपी बनी है, और जीपी में भी टर्म्स कितनी होंगी, एन माइनस वन होंगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म में जीपी नहीं आई है, फर्स्ट तो वन था मैं अलग कर लिया, पैटर्न मैच नहीं कर रहा था। ये टू 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 एन माइनस वन टाइम्स इज टू टाइम्स एन माइनस वन, टू कितनी बार ऐड करना है, एन माइनस वन टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, ये प्लस वन करा मैंने यहाँ पे। अब मैं जो जी पी का जो एन माइनस वन टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट टर्म हाफ है, कॉमन रेशियो भी हाफ है, नंबर ऑफ टर्म्स एन माइनस वन है, ये भी हाफ हो गया, वन माइनस हाफ फॉर्मूला लगा है इन टर्म्स ऑफ जी पी का, एन माइनस वन टर्म जी पी, तो ये वन माइनस हाफ इज हाफ, ये हाफ कैंसिल हो गया। अब बस सिंप्लीफाई करने की बात रह गई, ये टू, ये है टू टाइम्स एन माइनस वन, ये प्लस वन है, यहाँ से क्या आता है, ये कैंसिल होके अब ये ब्रैकेट ओपन करूँगा तो माइनस वन प्लस वन बाय टू टू द पावर एन माइनस वन आ रहा है, ये आ रहा है, इसमें से मैंने ये कैंसिल कर दिया वन से वन, तो ये बच गया, ये मैच कर रहा है, ये आंसर भी को मैच कर गया, देखो राइट। तो ये क्वेश्चन था, सिर्फ यही था कि ऊपर हमने सेवन को एट माइनस वन लिखा, फिफ्टीन को सिक्सटीन माइनस वन, इस तरह से लिखा है। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये बेस्ड था डिफरेंस मैथड से, डिफरेंस सीरीज से, जहाँ डिफरेंसेज ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स ए पी में होते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये बताया था आपको कि जब भी ऐसी सीरीज है जहाँ डिफरेंसेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स ए पी के अंदर है, जैसे वन है फिर थ्री है, तो ये अब फिर आ गया सिक्स आ गया टेन आ गया, एग्जांपल दिया था क्लास में जब पढ़ाया था, ये डिफरेंस टू है, ये डिफरेंस थ्री है, ये डिफरेंस फोर है, ये डिफरेंस फाइव है, डिफरेंसेज ए पी के अंदर है, सीरीज ए पी नहीं है, डिफरेंसेज ए पी में। तो हम कहते हैं इसमें जो जनरल टर्म होगी, एन टर्म होगी, उसको ये लेके चलो वो क्वाड्रेटिक होगी, ए इन टू एन स्क्वायर आ रहा है तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी मान के चलते हैं जनरल टर्म को, उसका पैटर्न क्वाड्रेटिक का होता है जनरल टर्म का। और अगर आर टर्म लेनी है तो एन की जगह आर ले लो आप, डजेंट मैटर। तो ये इस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में ये यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, आप इन सेट को देखें यहाँ पे, इस 20th सेट की फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो पैटर्न देखना है कि हर सेट की फर्स्ट टर्म क्या है, ये वन है, ये इसकी फर्स्ट, सेकेंड सेट की फर्स्ट टर्म टू है, थर्ड सेट की फर्स्ट टर्म फोर है, फोर्थ सेट की फर्स्ट टर्म सेवन है, तो ये पैटर्न चल रहा है फर्स्ट टर्म का, वन टू फोर सेवन आगे चलता रहेगा। लेकिन यहाँ इतने से हमने आइडेंटिफाई कर लिया है जो डिफरेंस सीरीज है, डिफरेंसेज ए पी के अंदर है, ये वन है, ये डिफरेंस टू है, ये डिफरेंस थ्री है, डिफरेंसेज ए पी के अंदर है। तो मैं कहूँगा लेट द यू नो एन एट टर्म इज ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ये एन एट टर्म ले लिया मैंने। अब यहाँ से मैं इक्वेशन बनाता हूँ, इनको वन प्लग इन कर दूंगा, इनको वन प्लग इन किया फर्स्ट टर्म, वो क्या आता है ए प्लस बी प्लस सी, अब ए प्लस फर्स्ट टर्म तो पता है सीरीज की क्या है, वन है, इनको टू प्लग इन किया फोर ए प्लस टू बी प्लस सी, यहाँ पे इनको टू प्लग इन कर दिया टी टू, तो ये सेकेंड टर्म सीरीज की मुझे पता है टू है, इनको थ्री प्लग इन किया थर्ड टर्म सीरीज की मुझे पता है क्या नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी, और मुझे पता है थर्ड टर्म फोर है। तो ये तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल बनते हैं, इनको सॉल्व करना पड़ता है, करना पड़ता है, ये करना पड़ेगा, इसमें मुश्किल नहीं है करना, क्योंकि हमेशा सेम तरह से ही होता है, हमेशा सेम इक्वेशन आएंगी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा माइनस किया सी कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे माइनस किया फिर सी कैंसिल हो रहा है, जो फर्स्ट टू को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है थ्री ए प्लस बी इक्वल टू वन, इसको इसमें से माइनस किया तो फाइव ए प्लस बी, ये तो हमने याद ही कर रखा है प्रोसेस, क्योंकि हर क्वेश्चन में सेम आता है टू ए, फिर इसमें से ये माइनस कर दिया तो मेरा ए आ गया यहाँ से टू ए इक्वल टू वन आ गया, ए हाफ आ गया, ए की वैल्यू आ गई, ए को मैं हाफ यहाँ प्लग इन कर दूंगा ए हाफ, तो मेरा बी माइनस हाफ आ रहा है प्लग इन करके, ए हाफ बी माइनस हाफ दोनों को यहाँ प्लग इन करूँगा तो सी वन आ जाएगा मेरा, तो मेरा यहाँ से जनरल टर्म आ गई ए हाफ है एन स्क्वायर बी माइनस हाफ है इंटू एन सी वन है, प्लग इन कर दिया ए बी सी को मैंने यहाँ पे, यहाँ प्लग इन कर दिया इसमें ए बी सी को, तो मेरी जनरल टर्म आ गई। अब मुझे 20th टर्म निकालनी है, 20th में
T20 चाहिए मेरे को, 20th जो ब्रैकेट होगा उसकी फर्स्ट टर्म चाहिए, तो वो ये पैटर्न फॉलो कर रही है। इनको 20 प्लग इन कर लिया, हाफ 20 स्क्वायर माइनस हाफ 20 प्लस 1, ये 400 है, 400 डिवाइड बाई 2 इज 200, माइनस 20 डिवाइड बाई 2 इज 10 प्लस 1, सो इट कम्स आउट टू बी 191, ये 191 ये आंसर मैच कर गया। तो ये 20 क्वेश्चंस थे हमारे। तो अब मतलब आपने देखा ये, अब उसको आपको समझना है कि क्या चीज़ आप नहीं कर पाए थे, उसको फिर आपने अच्छी तरह से याद करना है, फंडामेंटल्स फॉर्म करने हैं। क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, इसमें से चाहे 3-4 क्वेश्चन निकाल दें, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उनकी मास्टरी करनी है। तो अब नेक्स्ट क्विज है हमारा मंडे को, कमिंग मंडे को, डेट मैं बता देता हूँ अगर आज मंडे को क्या डेट है, मंडे को 15th है शायद, 11th या 15th को नेक्स्ट हमारी क्विज है, जिसका सिलेबस है ट्रिगोनोमेट्री, नहीं सॉरी क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस सीरीज है। क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस सीरीज दो टॉपिक पढ़े थे आपने, उन पे क्वेश्चंस पूछेंगे, फंडामेंटल क्वेश्चंस आएंगे उन पे, जो क्या अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप VMC के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप भी लाइव क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा livequiz.vidyamandir.com, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।